गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो चार धर्म चार वर्ण और चार कर्म बताए हैं उसके संबंध में यहाँ चर्चा करेंगे हमारा आज का विषय है क्षत्रिय तो भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय किसको कहा है क्षत्रिय धर्म क्या है क्षत्रियों का कर्म क्या है उसके बारे में विस्तार से बताया है आज हमारी चर्चा का विषय यही है तो महाभारत के आदि पर्व में उनतीसवे अध्याय श्लोक संख्या एक में एक श्लोक है क्षत्रियाणाम बलम तेजो नाम क्षमा बलम क्षमा माम भजते यस्माद गम्यताम यदि रोचते क्षत्रियों का बल तेज है और ब्राह्मणों का बल क्षमा मैं क्षमा को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं और क्षत्रिय अपने तेज को नहीं छोड़ सकता तो ये बात तब आई जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और वहाँ से नंदिनी नामक जो कामधेनु गौ थी उसको उन्होंने उससे मांगा उनसे मांगा वशिष्ठ जी से उन्होंने जब देने के लिए मना किया तो बलपूर्वक वो ले जाने लगे तब यह श्लोक और इसका विवरण आता है जिसका हम विस्तार कभी बाद में करेंगे अपनी किसी अगली फिल्म में तो इसमें भगवत गीता के अठारहवें अध्याय में श्लोक संख्या तैतालीस में क्षत्रियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया है आज उस श्लोक के संबंध में एक कथा उद्धृत की है श्री जयदयाल गोयंदका जी ने तो आज उस कथा का हम यहाँ पर उद्धरण देंगे आज उस कथा को आपको बताएंगे इस श्लोक की व्याख्या तो हम अपनी अगली किसी फिल्म में करेंगे तो हम इस श्लोक की व्याख्या करने के बजाय इसमें जो कथा उद्धृत की है श्री जयदयाल गोयंदका का जी ने और क्षत्रिय का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है बहुत सुंदर उसको यहाँ पर आपसे बाँटेंगे ये जो श्रीमद् भगवत गीता का अठारहवें अध्याय का श्लोक संख्या तेईस है वो इस प्रकार है शौर्यम तेजो धर्तिर दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर श्वर भावश्य श्यात्रम कर्म स्वाभजम शूरवीरता तेज धैर्य चतुर्ता और युद्ध में न भागना दान देना और स्वामी भाव ईश्वरत्व का भाव ये सबके सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं तो यहाँ पर जो उन्होंने उद्धरण दिया इस श्लोक की व्याख्या तो बाद में कभी करेंगे लेकिन उस कथा को यहाँ पर सुनाते हैं जिसमें भीष्म पितामह का परशुराम जी से युद्ध हुआ और भीष्म पिता में ने क्षत्रिय धर्म को नहीं छोड़ा और परशुराम को हथियार छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा और परशुराम को क्षत्रिय के समक्ष कैसे नतमस्तक होना पड़ा इस कथा का उदाहरण श्रीमद्भगव गीता के इस श्लोक में श्री जयदयाल गोविंद जी ने किया है आज वह कथा हम आपको सुनाते हैं बाल ब्रह्मचारी पिता में भीष्म में क्षत्रियोचित सब गुण प्रकट थे उन्होंने प्रसिद्ध क्षत्रिय शत्रु परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी थी जिस समय परशुराम जी ने काशीराज की कन्या अम्बा से विवाह करने के लिए भीष्म पर बहुत दबाव डाला उस समय उन्होंने बड़ी नम्रता से अपने सत्य की रक्षा के लिए ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया परंतु जब परशुराम जी किसी तरह न माने और बहुत धमकाने लगे तब उन्होंने साफ कह दिया भय दया धन के लोभ और कामना से मैं कभी शात्र धर्म का त्याग नहीं कर सकता यह मेरा धारण किया हुआ व्रत है हे परशुराम जी आप जो लोगों के सामने बड़ी डींग हाका करते हैं कि मैंने बहुत वर्षों तक अकेले ही क्षत्रियों का अनेकों बार यानी इक्कीस बार संघार किया है तो उसके लिए भी सुनिए उस समय भीष्म या भीष्म के समान कोई क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ था आपने तो तिनकों पर ही अपना प्रताप दिखाया है क्षत्रियो में तेजस्वी तो पीछे से प्रकट हुए हैं हे परशुराम जी इस समय युद्ध में मैं आपके घमंड को निसंदेह चूण चूण कर दूंगा ये महाभारत के उद्योग पर में श्लोक संख्या एक श्लोक संख्या एक सौ अठहत्तर वन सेवन एट में यह दिया हुआ है यह श्लोक है ये तब परशुराम जी कुपित हो गए युद्ध छिड़ गया और लगातार तेईस दिनों तक भयानक युद्ध होता रहा परंतु परशुराम जी भीष्म को परास्त न कर सके आखिरकार नारद आदि देवर्षियों के और भीष्म जननी श्री गंगा जी के प्रकट होकर बीच में पड़ने पर तथा परशुराम जी के धनुष छोड़ कर भाग जाने पर ही युद्ध समाप्त हुआ भीष्म ने न तो रण से पीठ दिखाई और न पहले शस्त्र को ही छोड़ा परशुराम को शस्त्र छोड़कर भागना पड़ा यह महाभारत का उद्योग पर्व का श्लोक संख्या एक है 185 महाभारत के 18 दिनों के संग्राम में 10 दिनों तक अकेले भीष्म जी ने कौरव पक्ष के सेनापतित्व के पद को सुशोभित किया और शेष आठ दिनों में कई सेनापति बदले यानी अठारह दिन जो महाभारत का युद्ध चला उसमें दस दिनों तक अकेले भीष्म जी ही कौरव पक्ष के सेनापति रहे और बचे हुए आठ दिन में कई सेनापति बदले गए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी कहते हैं कि भीष्म ने किसी कारणवश यह प्रण कर लिया कि मैं भगवान को शस्त्र ग्रहण करवा दूंगा भीष्म ने यह प्रतिज्ञा कर ली उधर भगवान श्री कृष्ण की यह प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के मैदान में शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा इधर भीष्म पिता जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भगवान को शस्त्र ग्रहण करवा करके ही रहूंगा तो महाभारत में यह कथा इस रूप में न होने पर भी सूरदास जी ने भीष्म प्रतिज्ञा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास जी ने कहा है, आज जो हरिहीन शस्त्र गहां और तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुतन कहाऊं और संदन खंड महारथ ध्वज सहित डुलाऊ करो सपतम वे की क्षत्रिय गति न पाऊ पांडव दल सम्मुख वै धाऊ सरिता रुधिर बहाऊ रन भूमि विजय बिना न पीठ दिखाऊ यह भीष्म प्रतिज्ञा की उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा का वर्णन सुखदास जी ने किया है खैर जो कुछ भी हो महाभारत में वर्णित है कि युद्ध आरंभ के तीसरे दिन भीष्म पिता ने जब बड़ा ही प्रचंड संग्राम किया यानी तीसरे दिन जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पिता में ने बहुत प्रचंड संग्राम किया तब भगवान ने कुपित होकर घोड़ों की रास हाथ से छोड़ दी और सूर्य के समान प्रभायुक्त अपने चक्र को हाथ में लेकर उसे घुमाते हुए रथ से कूद पड़े श्री कृष्ण को चक्र हाथ में लेकर आते हुए देखकर सब लोग ऊंचे स्वर से हाहाकार करने लगे सभी सेना और सभी युद्ध के रणवीरों में हाहाकार मच गया भगवान प्रलय काल की अग्नि के समान भीष्म की ओर बड़े बेग से दौड़े श्रीकृष्ण को चक्र ली अपनी ओर आते देखकर महात्मा तनिक भी नहीं डरे और अविचलित भाव से अपने धनुष की डोरी को बजाते हुए कहने लगे हे देवदेव देव, हे जगन्यवास हे माधव हे चक्रपाणी पधारिये पधारिये मैं आपको प्रणाम करता हूँ हे सबको शरण देने वाले मुझे बलपूर्वक इस श्रेष्ठ रथ से नीचे गिरा दीजिए हे श्री कृष्ण आज आपके हाथ से मारे जाने पर मेरा इस लोक और परलोक में बड़ा कल्याण होगा हे यदुनाथ आप स्वयं मुझे मानने दौड़े इससे मेरा गौरव तीनों लोकों में बढ़ गया तब अर्जुन ने दौड़कर पीछे से भगवान के पैर पकड़ लिए और किसी तरह उन्हें लौटाया यह महाभारत के भीष्म पर्व का श्लोक संख्या उनसठ है इसके बाद नवे दिन की बात है भगवान ने देखा भीष्म पिता मैंने पांडव सेना में प्रलय सा मचा रखा है। तब भगवान को फिर क्रोध आ गया भगवान घोड़ों की रास छोड़कर और कोड़ा हाथ में लिए हुए ही फिर भीष्म की ओर दौड़े भगवान के तेज से पग पर पग 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 पर मानो पृथ्वी फटने लगी कौरव पक्ष के वीर घबड़ा उठे और भीष्म मरे भीष्म मरे कहकर के चिल्लाने लगे कौरव सेना में हाहाकार मच गया क्रंदन मच गया हाथी पर झपटते हुए सिंह की भांति भगवान को अपनी ओर आते हुए देखकर बीच में फिर भी तनिक भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने अविचलित भाव से अपने धनुष को खींचकर कहा हे hey, पुंडरी काक्ष हे hey, देव देव आपको नमस्कार है हे hey, यदुनंदन श्रेष्ठ आइए आइए आज इस महायुद्ध में मेरा वध करके मुझे वीर गति दीजिए मुझे क्षत्रिय गति प्रदान कीजिए हे अनग हे देवदेव श्री कृष्ण आज आपके हाथ से मरने पर मेरा लोक में सर्वथा कल्याण हो जाएगा हे गोविंद युद्ध में आपके इस व्यवहार द्वारा आज मैं त्रिवन में तीनों लोकों में सम्मानित हो गया हे निष्पाप मैं आपका दास हूं आप मुझ पर जी भरकर प्रहार कीजिए जी भरकर प्रहार कीजिए यह महाभारत का भीष्म पर्व का श्लोक संख्या 106 है चौसठ से छियासठ तक के अध्ययन वर्णन है इसका पूरा तब अर्जुन ने दौड़कर भगवान के हाथ पकड़ लिए पर भगवान रुके नहीं और अर्जुन को घसीटते हुए आगे बढ़े अंत में अर्जुन को अर्जुन ने उनकी भगवान को प्रतिज्ञा याद दिलाई कि प्रभु आपकी प्रतिज्ञा है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे आप इस युद्ध में नहीं लड़ेंगे तब अंत में अर्जुन के प्रतिज्ञा की याद दिलाने और सत्य की शपथ खाकर भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा करने पर ही भगवान लौटे अर्थात जब अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की भगवान के समक्ष और सत्य की शपथ खाई कि अर्जुन भीष्म को मारेंगे क्योंकि अर्जुन भीष्म को पितामह को मारना नहीं चाहते थे इसलिए वो उन पर वारी नहीं कर पा रहे थे उनके सम्मान में सिरी से झुकाते चले जा रहे थे लेकिन जब भगवान के क्रोध को देखा और भगवान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और स्वयं यह प्रतिज्ञा की कि अर्जुन जो है स्वयं भीष्म को मारेंगे तब अर्जुन की इस प्रतिज्ञा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण वापस लौटे दस दिन महायुद्ध करने पर जब भीष्म मृत्यु की बात को सोच रहे थे तब अंतकाल में आकाश में स्थित ऋषियों और वसुओं ने भीष्म से कहा हे hey, तात, तुम जो सोच रहे हो वही हमें पसंद है इसके बाद शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण बाल ब्रह्मचारी भीष्म अर्जुन के बाणों से बिंधकर कर पर गिर पड़े गिरते समय भीष्म ने सूर्य को दक्षिणायण में देखा इसलिए उन्होंने प्राण त्याग नहीं किया गंगा जी ने महर्षियों को हंस रूप में उनके पास भेजा भीष्म ने कहा कि मैं उत्तरायण सूर्य आने तक जीवित रहूँगा और उपयुक्त समय पर ही प्राण त्याग करूंगा भीष्म के शरीर में दो अंगुल भी ऐसी जगह न बची थी जहाँ अर्जुन के बाण न बिन गए हों ये महाभारत के भीष्म में श्लोक संख्या 119 है सिर्फ उनका सिर नीचे लटक रहा था तब उन्होंने तकिया मांगा तब दुर्योधन और कौरव आदि सब मिलकर बढ़िया कोमल कोमल तकिए लेकर दौड़े आए भीष्म ने हंसकर कहा वीरो ये वीर शैया के योग्य नहीं है अंत में अर्जुन से कहा बेटा मेरे योग्य तकिया दो तब अर्जुन ने तीन बाण उनके मस्तक के नीचे इस प्रकार मारे कि सिर ऊंचा उठ गया और वे बाण तकिए का काम देने लगे इस पर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और कहा एवमेव महाबाहो धर्मेश प्रतिष्ठता स्वप्तव्यम वे ये महाभारत का भीष्म का श्लोक संख्या 120 है उनचासवी अत्यायी हे महाभाहो छात्र धर्म में पूर्वक स्थित रहने वाले क्षत्रियों को रणांगण में प्राण त्याग करते समय शरशैया पर इसी प्रकार सोना चाहिए भीष्म जी बाणों से घायल शरशैया पर पड़े थे यह देखकर बाण निकालने वाले कुशल शस्त्र वैद्य बुलाए गए इस पर भीष्म जी ने कहा मुझको तो क्षत्रियों की परम गति मिल चुकी है अब इन चिकित्सकों की क्या आवश्यकता है ये महाभारत के भीष्म श्लोक संख्या 120 है घाव के कारण भीष्म को बड़ी पीड़ा हो रही थी उन्होंने ठंडा पानी मांगा लोग गढ़ों में ठंडा पानी ले लेकर दौड़े भीष्म ने कहा मैं सरसैया पर लेट लेटा हुआ हूं और उत्तरायण की बाट देख रहा हूं आप मेरे लिए यह क्या ले आए तब उन्होंने अंत में अर्जुन को बुलाकर कहा बेटा मेरा मुंह सूख रहा है तुम समर्थ हो मुझे पानी पिलाओ अर्जुन ने रथ पर सवार होकर गांडी पर प्रत्यक्षा चढ़ाई और भीष्म के दाहिनी और पृथ्वी में अस्त्र मारा उसी क्षण वहां से अमृत के समान सुगंधित और उत्तम जल की धारा निकली और भीष्म के मुंह में गिरने लगी जी उस जल को पीकर तृप्त हो गए यह महाभारत के भीष्म का श्लोक संख्या 121 सौ इक्कीस में यह उल्लेख है महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद युधिष्ठर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर भीष्म के पास गए सब बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे भीष्म ने भगवान को देखकर प्रणाम और स्तवन किया तब श्रीकृष्ण ने भीष्म से कहा उत्तरायण आने में अभी देर है इतने में आपने धर्मशास्त्र का जो ज्ञान संपादन किया है वह युधिष्ठर को सुनाकर इनके शोक को दूर कीजिए तब भीष्म ने कहा प्रभो मेरा शरीर बाणों के घावों से व्याकुल हो रहा है मन और बुद्धि चंचल है बोलने की शक्ति और क्षमता नहीं है बार बार मूर्छा आती है केवल आपकी कृपा से अब तक जी रहा हूं फिर आप जगत गुरु के सामने मैं शिष्य यदि कुछ कहूं तो वह भी अविनयी ही है मुझसे बोला नहीं जाता कृपया क्षमा करें तब प्रेम से छलकती हुई आंखों से भगवान गदगद होकर बोले भीष्म तुम्हारी ग्लानी मूर्छा दाह व्यथा शुदा क्लेश और मोह यह सब मेरी कृपा से अभी नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे अंतकरण में सब प्रकार के ज्ञान की स्फूर्णा होगी तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाएगी तुम्हारा मन नित्य सत्व गुण में स्थिर हो जाएगा तुम धर्म या जिस किसी भी विद्या का चिंतन करोगे उसी को तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी तब श्री कृष्ण ने फिर कहा कि मैं स्वयं इसीलिए उपदेश न करके तुमसे करवाता हूं जिससे मेरे भक्त की कीर्ति और यश बढ़े भगवत प्रसाद से भीष्म के शरीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट हो गई उनका अंत्यकरण सावधान और बुद्धि सर्वथा जागृत हो गई ब्रह्मचर्य अनुभव ज्ञान और भगवत भक्ति के प्रताप से अगाध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार दस दिनों तक रण में तरुण उत्साह से झूमे थे उसी प्रकार के उत्साह से युधिष्ठर को धर्म के सब अंगों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक संतप्त हृदय को शांत कर दिया ये महाभारत का शांति पर्व और अनुशासन पर्व में वर्णन दिया हुआ है अठावन दिन सरसैया पर रहने के बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर भीष्म ने प्राण त्याग का निश्चय किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा हे भगवान हे देव देवेश हे सुरासुरों के द्वारा वंदित हे त्रिविक्रम हे शंख चक्र गदाधारी मैं आपको प्रणाम करता हूं हे वासुदेव हिरण्यात्मा परम पुरुष सविता विराट जीव रूप, अनूप परमात्मा और सनातन आप ही हैं हे पुंडरीकाक्ष, हे पुरुषोत्तम आप मेरा उद्धार कीजिए हे श्रीकृष्ण हे बैकुंठ, हे पुरुषोत्तम अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए मैंने मंदबुद्धि मंद बुद्धि मंद दुर्योधन को बहुत समझाया था यत कृष्ण स्तो धर्मो यतो धर्म स्तो जया जहां श्री कृष्ण है वहीं धर्म है और जहां धर्म है वहीं विजय है परंतु मूर्ख ने मेरी बात नहीं मानी मैं आपको पहचानता हूं आप ही पुराण पुरुष हैं आप ही नारायण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं समाम, तम जानी कृष्ण मोक्षे कलेवर त्वीआम समुनजा गतिम ये महाभारत के अनुशासन पर्व का श्लोक संख्या एक सौ सड़सठ है अध्याय पैतालीस में हे श्री कृष्ण आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं शरीर त्याग करूं। आपकी आज्ञा से शरीर त्याग कर मैं परम गति को प्राप्त करूंगा। तब भगवान ने आज्ञा दी तब भीष्म ने योग के द्वारा वायु को रोककर कर प्राणों को ऊपर चढ़ाना आरंभ किया प्राण वायु जिस अंग को छोड़कर ऊपर चढ़ता था उस अंग के बाण उसी क्षण निकल जाते और घाव भर जाते थे क्षण भर में भीष्म जी के शरीर से सब बाण निकल गए शरीर पर एक भी घाव न रहा और प्राण ब्रह्मरंद्र को भेद कर ऊपर चले गए लोगों ने देखा ब्रह्मरंद्र से निकला हुआ तेज देखते देखते आकाश में विलीन हो गया तो ये वर्णन क्षत्रिय और उसके तेज का शौर्य का प्रतिज्ञा का संकल्प का श्रीमद गीता के अध्याय अठारह में जयदयाल गोन्दिका जी ने महाभारत से उद्धार किया है वह आज इस फिल्म में आपको हमने बताया अब आगे की कथा आगे की फिल्म में बताएंगे कुछ और चीज़ें बताएंगे और अगर आपको हमारी फिल्में पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जितना सब्सक्राइब करेंगे उससे हमारा उत्साह बढ़ता है और यदि हम अच्छी फिल्में दे रहे हैं हमारा काम ठीक है तो आप भी हमें उत्साहित करें प्रोत्साहित तो करें जिससे हम और अच्छा काम कर सकें और अच्छा काम कर सकें जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे और जिसको जो दान बन पड़े हम अपनी फिल्म में अकाउंट नंबर अपना दिखाते हैं जितना दान बन पड़े जितना दान संभव हो वो इस अकाउंट में आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा जमा करा सकते हैं दान एक रुपए का हो या एक करोड़ का हो या दस करोड़ का हो दान सिर्फ दान होता है अब जिसमें जैसी अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम आगे जाना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए तो कृपया जो बन पड़े सो तो इस खाते में दान अवश्य कर जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे ओम नमः शिवाय नम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे